आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आओ इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। एक बिंदु P से एक जाने वाली सरल रेखा है जो एक्स अक्ष से पाई बटे 6 कोण बनाती है और रेखा इसको √3x − 4y + 8 = 0 को Q पर मिलती है, तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो अब हमारे पास देखो एक बिंदु दिया गया है √3 और जो थीटा दिया गया है वो क्या दिया गया, पाई बटे 6, तो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब हमें पता है प्रवणता किसी रेखा की निकालनी हो और हमें उसका एंगल पता हो, कोण पता हो, तो प्रवणता बराबर क्या होती है, टैन थीटा। तो टैन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 0, मतलब 1/√3 हो गया टैन 30 का मान, ठीक है। अब हमें देखो रेखा की बिंदु से जाने वाली निर्देशांक पता है और हमें प्रवणता पता है, तो हम रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं, y − y1 = m x − x1। अगर हमारे पास बिंदु x1 y1 हो और प्रवणता m हो, तो देखो क्या करेंगे, इस रेखा का हम समीकरण लिख लेंगे। तो y − 2 = m का मान है 1/√3 और x − x1 का मान क्या है, √3। तो देखो क्या करेंगे, इसको इस तरफ गुणा कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा √3y − 2√3 = x − √3। अब देखो x को एक तरफ कर लेंगे हम, तो अब हमने क्या किया, x − √3y = इसको इधर कर दिया या इसको एक ही तरफ ले आए, तो ये क्या हो गया, +√3 हो गया भाई, x − √3y ये तो गया +2√3 − √3 = √3। तो ये हमारा क्या हो गया, PQ जो रेखा है वो उसका समीकरण हो गया। अब देखो क्या है कि ये वाली जो रेखा है वो रेखा √3x − 4y + 8 = 0 को क्या करती है, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो Q है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मान लिया इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिया, तो इन दोनों को हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को √3 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 को जब √3 से गुणा कर दिया तो √3x − 3y + 3 = 0 हो गया। यहाँ पे √3x − 4y + 8 = 0 हो गया। अब यहां से माइनस कर लिया तो ये माइनस प्लस और माइनस हो गया, तो ये देखो कट गया। अब हमारे पास बचा 4y − 3y, कितना बच गया y, और ये हो जाएगा −8 + 3 − 5 = 0। तो y बराबर यहां से क्या आ गया, 5 आ गया, y के निर्देशांक 5 आ गए। अब इस मान को किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, मान लिया इस वाले समीकरण में रख दिया, तो यहां से क्या हो गया, √3x − 4 × 5 = 20 + 8 = 0 आ गया। तो √3x = क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो x = क्या हो गया, 12/√3 हो गया, 12/√3। अब √3 से इन दोनों का परिमेयकरण कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 12√3/3, तो ये क्या हो जाएगा, 4√3 आ गया। तो देखो हमारे पास जो Q बिंदु के निर्देशांक आ गए वो 4√3 आ गए और 5 आ गए। अब देखो हमारे पास P बिंदु पता है, P बिंदु के निर्देशांक क्या पता है हमें, √3 और 2 है। P बिंदु के निर्देशांक √3 और 2 है, Q बिंदु के निर्देशांक 4√3 और 5 है, और हमें PQ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, PQ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि अगर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 दिए गए हो तो उनके बीच की जो दूरी होती है वो कैसे लिखते हैं, x1 − x2 2 + y1 − y2 2। तो देखो हमने x1 x2 मान ही लिया है, तो हम क्या करेंगे, सीधे मान रखेंगे। तो √3 − 4√3 2 − 5 2, ठीक है। तो अब ये इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 − 4√3 − 3√3। −3√3 का जब वर्ग होगा तो 3 * 9 = 27 आ जाएगा।
प्लस 2 माइनस 5 गई कितना आएगा, माइनस 3, तो माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो 27 और 9 कितना हो गया 36, तो बीच की जो दूरी है वो क्या आ गई, 6 इकाई आ गई। तो जो PQ की लंबाई है वो कितना आ गया है, 6 इकाई, तो 6 इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।